हेलो दोस्तों, ये मेरा प्रूनिंग के बाद का दूसरा वीडियो है। प्रूनिंग के बाद मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये कहा था कि हाई नाइट्रोजन की फीडिंग करनी है ताकि इसके नोड्स डेवलप हो सकें और नई शूट्स जो हैं उसमें निकल सकें। तो यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने कहा था कि अमोनिकल नाइट्रोजन देना है ताकि ये शूट्स जो हैं लंबी हो सकें और इसकी स्टेम्स जो हैं अच्छे से डेवलप हो सकें। तो इस वीडियो में हम कुछ रिसर्च आर्टिकल के बारे में भी हम जानेंगे और पीएच कितना मेंटेन करना है अपने पॉटिंग मीडिया में इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। ये गार्डनिंग बेसिक्स की सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं जो इंग्लिश में ही है। तो जो पीएच है वो 7 जो है न्यूट्रल होता है और 7 से कम होने से वो मीडिया जो है एसिडिक हो जाता है और उससे ज़्यादा होता है बेसिक या क्षारीय हो जाता है। तो रोज़ को थोड़ा अम्ली या एसिडिक मीडिया पसंद होता है तो हम अपना पीएच को मीडिया का 6 के आसपास मेंटेन करेंगे। अगर आप 5.8 मेंटेन कर सकते हैं और प्रोफेशनल ग्रोवर्स हैं, एग्जीबिशन रोजेस करते हैं, तो वो बेस्ट होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावरिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो पीएच के अराउंड 6 जो है, जो ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिएंट्स का होता है जिसको पौधे अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं, तो लगभग वो 6 के आसपास होता है। 6 से 7 तक भी होगा तो भी ठीक है। तो अपने को पीएच जो है मेंटेन करना है। मैं हफ्ते में एक दिन जो है पीएच 6 के आसपास मेंटेन करता हूँ। तो ये जो आर्टिकल देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है, ये जो प्लांट के जो टिश्यू होते हैं, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स की जो है, उससे ये एनालिसिस करके ये कितना एन होता है, पी होता है, के होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर कितना होता है, ये इसके बारे में बताया हुआ। तो इसमें देखिए कि जो फास्फोरस की जो क्वांटिटी है पौधों को बहुत कम चाहिए होती है, जबकि हम देखते हैं कि भाई जो भी फीडिंग बताया जाता है उसमें बोला जाता है कि भाई फास्फोरस ज़्यादा दीजिए, रूट ग्रोथ अच्छा होगा, लेकिन पौधों को इतनी फास्फोरस की ज़रूरत नहीं होती जितनी कि मतलब हम लोगों को अभी तक बताया जाता था। तो यहाँ पे सेकंड आर्टिकल भी देखिएगा, ये एक बाहर की रो सोसाइटी का आर्टिकल है। तो इसमें यह है कि 1/6 आप नाइट्रोजन का या 1/4 आप पोटेशियम का, इतना मतलब फास्फोरस चाहिए होता है रोज़ में। और जो प्रोफेशनल या कमर्शियल ग्रोवर हैं वो 3:1:2 का एनपीके मेंटेन करके चलते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि रोज़ तो छोड़िए, और भी कोई भी प्लांट होगा तो उसमें पोटेशियम और नाइट्रोजन से फास्फोरस की रिक्वायरमेंट कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो ये जो डिपार्चर है, जो हमारा जो अभी तक का जो हम रोज़ गार्डनिंग करते रहे थे, तो ये थोड़ा मतलब एक आई ओपनिंग है, मतलब एक हम लोग के लिए भी एक सीखने का मौका है। ये हमें देखना चाहिए। और इसके बाद एक आर्टिकल भी है जिसपे हम डिस्कस करेंगे और उसका ये सभी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक आर्टिकल है जिसमें ये स्टडी किया गया है कि भाई अलग अलग एनपीके कॉम्बिनेशन का रोज़ के ग्रोथ में किस तरह का इफ़ेक्ट होता है। तो जितना नंबर ऑफ ब्रांच कितना होता है, फ्लावर ज़्यादा होना चाहिए, हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, फ्लावर बड़ा होना चाहिए, पीटल काउंट ज़्यादा होना चाहिए, फ्लावर का वेट ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने जो स्टडी किया इसमें पाया कि जिसमें बिल्कुल भी फास्फोरस नहीं था, नाइट्रोजन थोड़ा ज़्यादा था पोटेशियम की तुलना में, तो इसमें ये सब चीज़ें जो है रोज़ की ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा हुई। तो एनपीके रेशियो उन्होंने यूज़ किया 20:0:12। तो
2012 में आप देख लीजिए कि भाई उन्होंने सॉइल में तो कुछ मिलाया नहीं फास्फोरस, लेकिन उनके फ्लावर भी अच्छे हुए, साइज भी अच्छी हुई, नंबर ऑफ ब्रांच भी ज़्यादा हुए। तो फास्फोरस का रोल जो है बहुत लिमिटेड है रोज़ की इसमें जो है। तो ये जो इसका रेशियो आप निकालिएगा 2012 का, तो ये 5:0:3 का आपको एनपीके रेशियो मेंटेन करना है। तो इसके लिए हम एक पार्ट पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे और इसके बाद 1.5 गुना जो है हम अमोनियम सल्फेट लेंगे और उसका 2 गुना जो है हम कैल्शियम नाइट्रेट लेंगे। ये तीनों को मिक्स करेंगे तो लगभग ये 5:0:3 का आपको रेशियो आपको मिल जाएगा। तो एक प्लांट को कितना देना है, एक प्लांट को जो मैच्योर प्लांट है उनको 2 से 2.5 ग्राम पर प्लांट देना है, और कोई भी नाइट्रोजन जो है 400 PPM से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पौधे की रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा नहीं होती रोज़ प्लांट की, तो उससे ज़्यादा नहीं दीजिए, अदरवाइज शूट्स जो हैं बर्न भी हो सकती हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, नाइट्रोजन लीच आउट हो जाएगा। तो बीच में हम DAP या SSP भी देंगे ताकि थोड़ा फास्फोरस इसको मिल सके और इससे मीडिया का जो pH भी थोड़ा डाउन रहेगा। तो इस तरीके से हम ये मिक्सचर बनाएंगे। तो ये उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ में हेल्प करेगा। इसके अतिरिक्त आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सीवीड जो है हफ्ते में एक बार दीजिए, इससे भी बाकी ग्रोथ में जो है अच्छी मदद मिलेगी। और इसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब हम ज़्यादा फास्फोरस देते हैं प्लांट के रूट जोन में, तो रूट जोन में एक बेनिफिशियल फंगस या फंगाई रहता है जिसे हम माइक्रोरेजा कहते हैं। उसका जो फंक्शन ये रहता है कि वो फास्फोरस को रूट जोन में इकट्ठा करता है, कैप्चर करता है और प्लांट को देता है वो उसके कार्बोहाइड्रेट के बदले में। तो ये फंक्शन जो है उसका वो है वो काम नहीं करता, डिटैच हो जाता है। और उल्टा इसके अलावा इसका नुकसान ये है कि जो माइक्रोरेजा फंगी जो फास्फोरस प्लांट को देता है वो खुद ही उसको खाने लगता है और वो प्लांट के साथ कंपीट करने लगता है फास्फोरस के लिए जो है। तो ये सिचुएशन जो है प्लांट के लिए भी अच्छी नहीं है और आप जो भी फास्फोरस अवेलेबल है वो भी आपका जो वो माइक्रोरिजा फंगाई जो है वो खाने लगेगा। तो प्लांट के जो रूट जोन में जो है वो फास्फोरस की कमी हो जाएगी, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। आज बस यहीं तक फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू।